बिहार पुलिस की महिला कमांडो ट्रेनिंग के बाद अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं और पहली बार किसी राज्य पुलिस में ऐसी महिला कमांडो की फौज तैयार हुई है जिसे सीआरपीएफ की देखरेख में ट्रेंड किया गया है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बिहार लौटी महिला कमांडो अब अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हैं और जल्द ही इन्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा जहां चुनिंदा पुलिस वालों को ही मौका दिया जाता है। आज हम आपको मिलवाते हैं बम बारूद और बुलेट वाली उन बहादुर बेटियों से जो जल्द ही अपराधियों पर कहर बनकर टूटेंगे। ये कदम और इन कदमों से जो निशान है वो ऐतिहासिक है क्योंकि हिंदुस्तान की नारी शक्ति दुश्मन को ललकारने को बेताब है। इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, पहले इनके जज्बे को जान लीजिए। बिहार की इन बेटियों में देश सेवा का जो जज्बा हमें देखने को मिला वो बेमिसाल है क्योंकि जिस त्याग बलिदान के साथ ये देश की हिफाजत में जुटेंगी वो सिर्फ यही समझ सकती हैं और हमें भी समझ आया कि इनके त्याग का हिसाब लगाना नामुमकिन है। हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, यह साबित कर दिया बिहार की बेटियों ने। देश का पहला महिला कमांडर दस्ता अब तैयार है अपना दमखम दिखाने के लिए। महिला कमांडो का यह दस्ता कैसे तैयार हुआ, कैसे ये दस्ता दहशतगर्दी का मुकाबला करेगा, अपने फर्ज को कैसे बखूबी अंजाम देगा, उनके बुनियाद क्या है, वो ट्रेनिंग क्या है जिसने इन्हें फौलाद बनाया है, इन तस्वीरों को देखकर आप पूरी कहानी समझ लीजिए। आज हम आपको परत दर परत इन महिला कमांडो की जज्बे की दास्तां दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इन महिला कमांडो को जो ट्रेनिंग दी गई है वो किसी भी मायने में मेल कैडेट से कम नहीं है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और इनकी मेहनत, इनकी ट्रेनिंग और इनके हौसले को देखिए, आप इन महिला कमांडो को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहली तस्वीर मेल कैडेट्स की है और दूसरी तस्वीर में बिहार पुलिस की ये महिला कमांडो। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कोई भी नरमी नहीं, कोई कोताही नहीं, सिर्फ मेहनत और लगन। अब आपको बताते हैं कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुठभेड़ में सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलाई गई है। साथ ही आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि इन महिला कमांडो ने ट्रेनिंग सीआरपीएफ के स्पेशल कोबरा यूनिट की देखरेख में की है जो अपनी कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती है। तीन महीने की जान निकाल देने वाली कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये महिला कमांडो अब हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनकर लौटी हैं। इन महिला कमांडो को बड़े से बड़े हमलों को नाकाम करने का हुनर सिखाया गया है, साथ ही छोटे छोटे और बड़े से बड़े हथियार को चलाने में इन्होंने महारत हासिल की है। ये 92 महिला कमांडो हैं जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों से चयनित हुई। इनके चयन में और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी DIG श्रीमती गरिमा मल्लिक और हमारी कमांडेंट श्रीमती हरप्रीत कौर ने विशेष भूमिका अदा की। इनके द्वारा चयनित किया गया और इसके उपरांत इन्हें CRPF के ट्रेनिंग सेंटर CTC मुठभेड़ में भेजा गया जहां इन लोगों ने कमांडो का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्राप्त किया, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने सामने आने वाली किसी भी मुश्किल की परवाह किए बगैर शेर जैसे जिगर वाली ये महिला कमांडो किसी भी खतरे को नेस्तनाबूद करने का जज्बा रखती है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, अपने हथियारों और अपने साथियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना। ये ट्रेनिंग नक्सली ऑपरेशंस के समय सबसे ज्यादा काम आती है। किसी भी जवान की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी चुस्ती। शारीरिक रूप से इन्हें मजबूत रखने के लिए हर तरह की एक्सरसाइज रोज करनी पड़ती है, कई कई घंटों तक, तब जाकर इनका शरीर मजबूत बनता है चट्टान की तरह। पीठ पर 5 किलो वजन, हाथ में राइफल और माथे से गिरता पसीना, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं। देश को महफूज रखने का ये जोश और जज्बा ही है जो इनके इरादे बुलंद रखता है। हमने कई महिला कैडेट से बात की, सभी ने अपने आप से अपने फर्ज को ऊपर रखा। मुश्किल तो बहुत था लेकिन उसको हम लोग, कठिनाई था फिर भी उसको हम अच्छे से किए, विश्वास से किए, आत्मविश्वास था अंदर से, स्टेमिना था, फिर भी किए। ट्रेनिंग अच्छा लगा करके। आंखों में नमी,
लेकिन वो नमी इनके जज्बे में कोई कमी नहीं ला पाई, क्योंकि ये जानती हैं इनकी आन बान और शान इनका वतन है। बचपन में जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो चुका है, उस सपने को हकीकत में जी रही हैं। पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं, 92 कमांडोज। हम लोग किसी भी मोर्चे, किसी भी कोई भी ड्यूटी हो गया, हाथ से हाथ ड्यूटी है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं कर सकते हैं। रैपलिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, या रॉक क्लाइंबिंग हो गया, या आईडी डिस्पोजल वगैरह, हर तरीके से हम लोग कोई भी ड्यूटी करने को तैयार हैं और चाहेंगे कि हम लोग अच्छे से अच्छे उस ड्यूटी को पूरे दिल से निष्पादन करें। और जो भी आईडी, जैसे आईडी वगैरह का जो सिखाया गया था सर, बिल्डिंग, रैपलिंग, क्लाइविंग, जंगल में भी अगर कभी भी ऐसा रेड ऑपरेशन कराया जाता है या अर्बन एरिया का ऑपरेशन कराया जाता है, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कंधे पर बंदूक रखकर जंगलों में जब ये लेडी कमांडो गर्व से पेट्रोलिंग करती हैं तो वो नज़ारा जोश भरने वाला होता है। और जब इनकी ललकार सुन ली जाए तो दुश्मन के भी होश उड़ जाते हैं। बिहार पुलिस की महिला कमांडो को बेहद कठिन मानसिक ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वो हर हालात में जीत हासिल कर सके। ट्रेनिंग के दौरान ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, घर से संपर्क करने की इजाजत नहीं होती। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों को हर पल अलर्ट रहना पड़ता है। कुछ मिनट के नोटिस पर उन्हें पूरी तैयारी के साथ कहीं भी कुछ करना पड़ सकता है। ये जो मौका हम लोग को महिलाओं को दिए है, शायद मतलब और जो हमारे पीछे जो महिला है उनको भी ये मौका दिया जाए, और कमांडो का मतलब जो भी ट्रेनिंग है अगर उन्हें भी दिया जाएगा तो उनको भी मतलब हम लोग के जैसा सारा टैक्टिक्स, जो भी मोमेंट है, टैक्टिकल मोमेंट है, सिद्धांत है, सभी उन लोग को भी आएगा। और हमें मतलब कहीं पर भी जंगल में अगर हम लोग को भेज दिया जाए नक्सली से लड़ने के लिए, तो हम लोग उसके लिए भी पूरा तैयार है। ये कमांडो विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, अगर कोई आतंकी हमला होता है सबसे पहले ये कमांडो तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालेंगे। हॉस्टेज सिचुएशन हो या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हो गया हो, हर हालात से निपटने के तरीके इन महिला कमांडो को आते हैं। कोई भी बिहार में कोई भी सेवा, चाहे बाहर भी कहीं भेजेंगे, सब जगह हम लोग तैयार हैं। जंगल हो, शहर हो, ऊंची इमारतें हो या फिर भीड़ भरे बाजार, किसी भी जगह इन कमांडोज को हर खतरे से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। जितने भी वेपन्स, एडवांस्ड वेपन्स होते हैं, MP5 हो गए, इंसास, AK-47, CGRL, UVGL, जितने भी एडवांस वेपन हैं उसकी ट्रेनिंग हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से दी गई। और कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हमें उस वेपन्स का कैसे यूज करना है, आईडी का कैसे यूज करना है, उन सब को बहुत अच्छे से तरीके से ट्रेन किया गया, ताकि हम लोग अपने फ्यूचर में कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकें। ये पहला मौका है जब किसी राज्य पुलिस में महिला कमांडो का ऐसा दस्ता तैयार किया गया है। अब जल्द ही इन कमांडो को विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा, जहां चुनिंदा पुलिस वालों को ही मौका दिया जाता है। ये महिला कमांडो बिहार पुलिस की उन एजेंसियों में अपनी क्षमता दिखाएंगी, जहां तैनाती के लिए किसी भी पुलिस वालों को कड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। अब SSG, ATS और STF में इन महिला कमांडो की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि SSG मुख्यमंत्री की सुरक्षा संभालती है, लिहाजा यहां तेज़तर्रार पुलिस अधिकारी और जवानों को ही तैनात किया जाता है। इसके अलावा कुछ महिला कमांडो की टीम आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ATS में भी शामिल हो जाएंगी। बाकी की बची हुई महिला कमांडो बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का हिस्सा बनेंगी। STF और ATS में तैनात किए जाने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों को पहले एजेंसियों के जरिए चुना जाता है, फिर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना होता है, उसके बाद तैनाती की जाती है। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला कमांडो के इस टीम को बिहार पुलिस कितनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। ये पूरी तरह से तैयार हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी जहां भी जाएंगी बहुत ही उच्च स्तरीय काम करेंगी, और ये बिहार की जो लड़कियां हैं, इनके जो हमारे जो समाज की लड़कियाँ हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का भी काम करेंगी, उनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत ही सार्थक प्रयास है, बहुत ही सार्थक कदम है। अब ये लेडी कमांडो तैयार हैं अपने फर्ज को निभाने के लिए, सुरक्षा में मुस्तैद रहने के लिए, आतंक से भिड़ने के लिए। एक बार फिर से बिहार की बेटियों ने अपनी हिम्मत और मेहनत से इतिहास रचा है। देश की पहली महिला कमांडो दस्ता तैयार हो चुका है और अब इसकी सेवा CM सिक्योरिटी के अलावा STF और ATS में लिया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।